हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेकीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूं रेडमी के 30 वर्सेज ओप्पो के 5 के बारे में। दोस्तों अगर आपको भी इन दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन को देखना है, इन दोनों स्मार्टफोन में बेस्ट स्मार्टफोन आपके लिए कौन सा हो सकता है, दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में जानना है, स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है, कब तक ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों Redmi के 30 डुअल पंच होल के साथ इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन दोस्तों Oppo के 5 वाटर ड्रॉप नॉच के साथ इंडिया में लॉन्च होगा। और इन दोनों स्मार्टफोन के बैक में आपको ग्लास फिनिश बॉडी मिलेगा जिसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी दोनों स्मार्टफोन में। और दोस्तों अगर बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों Redmi के 30 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ इंडिया में लॉन्च होगा, जिसके अंदर 6.67 इंच के साथ फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इस फोन के साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर वहीं बात करें Oppo के 5 के बारे में, तो दोस्तों इस फोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलेगा, जिसके अंदर 6.4 इंच के साथ फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको वीडियो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और दोस्तों इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो के लिए स्मार्टफोन को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे Oppo के 5 थोड़ा सा आगे निकलता है Redmi के 30 से, लेकिन डिजाइन के मामले में थोड़ा सा बेटर हो जाता है Redmi के 30, क्योंकि उसमें आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे सेटअप के बारे में। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, लेकिन दोस्तों Redmi के 30 में आपको सोनी का सेंसर मिलेगा और वहीं Oppo के 5 में आपको सैमसंग का सेंसर मिल जाएगा। और प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दोनों स्मार्टफोन में मिल जाने वाला है। और दोस्तों अगर वहीं बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में, तो दोस्तों Redmi के 30 में आपको डुअल पंच होल कैमरा मिलेगा, जिसमें आपको 20+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, लेकिन Oppo के 5 में आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे सेल्फी कैमरा थोड़ा सा बेटर होने वाला है Oppo के 5 में, क्योंकि यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाने वाला है। और दोस्तों अगर साथ में बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों दोनों में आपको सेम प्रोसेसर मिलने वाला है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों Redmi के 30 में आपको MIUI 11 और Android 10 का सपोर्ट मिल जाने वाला है, और वहीं Oppo के 5 में Android 10 और ColorOS 6.1 का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अपडेट के बाद इस फोन में आपको ColorOS 7 का भी सपोर्ट मिल जाएगा बहुत ही जल्द। और दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में। तो दोस्तों Redmi के 30 में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी और साथ में 27 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट का भी सपोर्ट मिल जाने वाला है। लेकिन दोस्तों Oppo के 5 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको 30 वाट का सुपर वूक चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा और इसमें अभी आपको USB टाइप सी पोर्ट का भी सपोर्ट मिल जाने वाला है। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन को जल्दी से चार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चार्ज होगा Oppo के 5, लेकिन बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिलने वाला है Redmi के 30 में। और दोस्तों अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको 3.5mm का ऑडियो हेडफोन जैक मिलने वाला है, दोनों में आपको आयर ब्लास्टर का सपोर्ट मिलने वाला है और दोनों में आपको लाउड स्पीकर मिल जाने वाला है। लेकिन दोस्तों Redmi के 30 में आपको NFC का सपोर्ट मिलने वाला है और वहीं पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाने वाला है, लेकिन दोस्तों Oppo के 5 में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाने वाला है, जिसमें आप 2 सिम प्लस 1 SD कार्ड एक साथ यूज कर पाएंगे, लेकिन इस फोन में आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट के बारे में और प्राइस के बारे में। तो दोस्तों Redmi के 30 का जो बेस वेरिएंट होने वाला है वो 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ होगा, और Oppo के 5 का जो बेस वेरिएंट होने वाला है वो भी 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ होने वाला है।
और दोनों स्मार्टफोन का प्राइस लगभग सेम होने वाला है। Redmi के 30 का वेस्ट वेरिएंट का जो प्राइस होने वाला है वो 17,000 के आसपास होगा और Oppo के 5 का जो स्मार्टफोन का वेस्ट वेरिएंट का प्राइस होने वाला है वो 16,000 के आसपास होने वाला है। और दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको और भी बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, तो देखते हैं लॉन्च होने के बाद कि इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन में क्या चेंज देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों स्मार्टफोन अगर इसी स्पेसिफिकेशन के साथ अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोबारा मिलता हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।